हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आइसोलेशन का मीनिंग देखेंगे, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे और एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइसोलेशन और क्वारंटाइन आजकल दोनों ही शब्द काफ़ी सुनने में आते हैं, किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आज का हमारा जो वर्ड है वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन किसी भी सेंटेंस में एज ए नाउन यूज होता है और इसका हिंदी में मतलब होता है एकांत और इंग्लिश में सेपरेशन। सिनोनिम्स क्या होगा? सेग्रीगेशन या क्वारंटाइन। जब आपको अलग रखा जाता है, एकांत में रखा जाता है, तो तब हम कहते हैं कि आपको आइसोलेट किया गया है। एंटोनिम्स क्या होगा? इसके अपोजिट सिनोनिम और एंटोनिम होगा कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखें, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स मे आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एंजाइटी। यानी जब आप अपने फैमिली और फ्रेंड से आइसोलेट हो जाते हैं तो आपकी जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो बढ़ जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।